हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माइक चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वक्त हम डीवी स्कूल ऊर्जा नगर के गेट के पास हैं। यहाँ पे आने का कारण हमारा ये रहा दोस्तों, यहाँ में आदर्श महिला मतदान केंद्र बनाया गया है जहाँ पे आकर के आप वोट कर सकते हैं। तो यही में हम लोग वोटिंग के लिए ही आए हुए हैं और हमारे साथ कुछ लोग भी आए हुए हैं, देख सकते हो हमारे वीडियो के माध्यम से, जो लोग कुछ वोट करके आ रहे हैं और कुछ लोग अभी जस्ट पहुंचे ही हैं। ये रहा गेट का व्यू दोस्तों, और यहाँ से आप लोग घुस सकते हैं। चलिए हम लोग भी अंदर की ओर चलते हैं और वोट करके आते हैं। ये हमारे कुछ आंटियां रहे जो अभी तक वोट करके आ रहे हैं, ये कुछ भाई साहब रहे जो अंदर से वोटिंग करके आ रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन बनाया गया है दोस्तों जिसके माध्यम से आप अंदर जाकर वोट कर सकते हैं। हालांकि अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग फोन नहीं ले जा सकते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं, फिर आपको उसका वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ही दोस्तों हम लोग वोट करके बाहर आए तो देखते हैं क्या कि यहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर्स वाले भैया लोग पहुंचे हुए हैं जो रिपोर्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा सा मौका लगा मुझे कि इनका वीडियो भी मैं कैच कर लूं अपने वीडियो में। तो ये देखिए उनका वीडियो। महागामा ऊर्जा नगर डीएवी स्कूल में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इस स्कूल को सजाया गया है, पूरा बैलून से सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का अगर बात करें तो पूरे गोड्डा जिला में 10,000 से ज़्यादा फोर्स उतारा गया है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान, पाला मिलिट्री फोर्स, आईआरबीए के जवान और पुलिस बल शामिल है। अगर कुल मतदाता की बात करें तो पूरे गोड्डा जिला में 20,28,154 मतदाता हैं जो आज मतदान करेंगे। सुबह से लोगों में हर्ष है, उल्लास है, लोकतंत्र का पर्व है, लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक पहला ऐसा बूथ है जहाँ पे लोग दिखाई नहीं दे रहे होंगे। यहाँ पे लोगों की कमी है, जिसका कारण बताया जा रहा है कि जो ECL कर्मी है वो यहाँ पे अपने ड्यूटी पर गए हैं, उसके कारण यहाँ पे वोट देने नहीं आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं जो मतदान करने आए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आज का क्या माहौल है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम वासु कुमार हुआ। कितने बजे से आए हैं यहाँ पे? मैं 5 बजे से आया हूँ। आज यहाँ पे बहुत कम लोगों की भीड़ है, क्या कर रहा है? एक्चुअल में बहुत कम लोगों की भीड़ इसलिए है कि जो भी ECL कर्मी हैं वो अपने जो है चले गए हैं मतदान कराने के लिए, और महिलाओं लोग हमने आकर्षित किया कि आइए अपने घरों से निकलिए और मतदान कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ आएंगे। कुछ समय अभी हुआ है, लगता हमको कि वो आएंगे, लेकिन यहाँ पर वोट का प्रतिशत ना ऊर्जा नगर का बहुत कम हुआ। जस्ट हम लोग वोट दिए हैं एंड वोट देकर जस्ट हम लोग निकले हैं। यहाँ पे जस्ट रिपोर्टिंग हो रही है, सारा का सारा वीडियो कैप्चर हो चुका है, उसके वीडियो हम मैं जस्ट अभी कुछ देर में आपको अपलोड कर दूंगा। एंड काफ़ी बेहतरीन सा रहा ही हमारा एक्सपीरियंस, काफ़ी कम लोग मौजूद थे यहाँ पे। कारण बताया जा रहा है कि बस कुछ ECL कर्मचारी हैं जो अभी तक नहीं पहुँच पाए। तो ये सारा कुछ रहा इन्फॉर्मेशंस, एंड कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि अगला PM कौन बनने वाला है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड जो कोई भी इस वीडियो को देख करके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया से सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट देश बदल सकता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं बाद हम लोग। जय हिंद।